नमस्कार, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट में। मैं हूं राजेश सिंह। भारत के पड़ोसी देशों में सब कुछ ठीक नहीं है। पाकिस्तान में नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं इमरान खान के रेजिग्नेशन के बाद। श्रीलंका आज़ादी के बाद पहली बार डिफॉल्ट कर रहा है। आर्थिक मंदी के दौर में नेपाल में भी स्थिति ठीक नहीं है। वहाँ के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को सैक कर दिया गया है। इन सभी पाबंदियों के चलते ये सभी कुछ हो रहा है कोविड के बाद, रशिया यूक्रेन वार के बाद, और इन सभी चीज़ों से भारत भी अछूता नहीं है। भारत में भी महंगाई अपने चरम सीमा पर, 8 साल के हाईएस्ट स्कोर पर है। तो इन सभी मुद्दों पर आज हम डिस्कस करेंगे स्पॉटलाइट में, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये एक रिपोर्ट। कोरोना और रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का खामियाजा भारत के साथ साथ पड़ोसी मुल्क भी झेल रहे हैं। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हाल किसी से छिपे नहीं हैं। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी की सरकार को बढ़ती महंगाई को लेकर अपने सियासी विरोधियों से तीखे तेवरों का सामना करना पड़ा था, जिसका असर ये हुआ कि पाकिस्तान में सियासी बवाल के बाद आखिरकार शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुन लिया गया। दरअसल पाकिस्तान में इस वक्त कई जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। दुनिया में जिन देशों में खाने पीने की चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं, उनमें पाकिस्तान भी शुमार है। इस देश को अपनी ऊर्जा और खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हाल श्रीलंका का भी है। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका अपने इतिहास में पहली बार दिवालिया हो गया है। पिछले 70 से ज्यादा सालों के सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा ये देश अपना कर्ज नहीं चुका पाया है। दरअसल श्रीलंका को 7,80,00,000 डॉलर का कर्ज चुकाने के लिए 30 दिनों की छूट अवधि दी गई थी, और अब ये अवधि भी समाप्त हो गई है और श्रीलंका अपना कर्ज नहीं चुका पाया। ऐसे में श्रीलंका अब भारत, चीन, जापान जैसे देशों से मदद की आस लगाए बैठा है। इन सब के बीच एक और पड़ोसी देश नेपाल में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा। पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहे नेपाल की सरकार ने केंद्रीय बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने को लेकर अधिकारी और देश के वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा के बीच मतभेद पैदा हो गए थे। दरअसल सभी देशों के खस्ता हाल का एक सबसे बड़ा कारण कोरोना संक्रमण भी रहा है। चीन में भी कोरोना के चलते बुरा हाल है। कोरोना के दूसरे फेज के दौरान चीन के कई बड़े शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसके चलते दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की हालत भी पतली हो गई है। लॉकडाउन के चलते चीन में आर्थिक गतिविधियां अप्रैल महीने में तेजी से गिरी हैं। चीन में शंघाई सहित कई बड़े शहरों में कोरोना वायरस का संक्रमण काफी ज्यादा फैला, जिसका असर ये हुआ कि लंबे समय तक फैक्ट्रियां बंद और सड़कें सूनी पड़ी रहीं। लॉकडाउन के कारण मांग काफी ज्यादा गिर गई और इसका सीधा असर पड़ा वैश्विक सप्लाई चेन पर। कड़े प्रतिबंधों के चलते चीन में अप्रैल महीने में मंदी काफी बढ़ गई, फैक्ट्री आउटपुट और ज्यादा गिर गया और मांग अनुमान से भी कम रही। इस समय दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत का हाल इतना नहीं बिगड़ा है, जिसका कारण है कि देश में अच्छी कृषि पैदावार खाद्य पदार्थों की कीमतों के नियंत्रण में अहम भूमिका निभा रही है। ये भी एक बड़ी वजह है कि देश में न केवल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जरूरत से ज्यादा चावल और गेहूं का भंडार भरपूर है, बल्कि इस समय देश गेहूं और चावल का रिकॉर्ड स्तर पर निर्यात करते हुए भी दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाने के अलावा महंगाई को काबू में करने के लिए कई ठोस कदम भी उठाए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पड़ोसी मुल्कों के हाल ऐसे ही बद से बदतर होते रहे तो क्या इसका असर जल्द भारत में भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETNow स्वदेश। और इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, जो डायरेक्टर जनरल हैं रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज के, सुशांत सरीन जो कि फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट है, और अमित भंडारी जो कि सीनियर फेलो हैं गेटवे हाउस के। आप सभी मेहमानों का ETNow स्वदेश पे बहुत बहुत स्वागत है। सचिन, प्रोफेसर सचिन, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे। आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, कोविड का असर पूरे दुनिया पे पड़ा है और इससे कोई भी देश अछूता नहीं रहा है, लेकिन भारत जो है थोड़ा बचा हुआ है, क्योंकि मे बी सरकार ने सही टाइम पे वैक्सीनेशन किए, उन सब चीज़ों के चलते। लेकिन अगर हम भारत के पड़ोसी देशों को देखें, नेपाल में हालत ख़राब है, पाकिस्तान की हालत ख़राब है, श्रीलंका की इकोनॉमी ख़राब है। आप काफ़ी कुछ पढ़ते रहे हैं इन सभी
आपने काफी अध्ययन किया है, अगर हम आपसे जानना चाहें कि क्या भारत इन सब से कब तक अछूता रह सकता है और भारत पे इसका कितना असर आने वाले दिनों में पड़ेगा, जबकि क्रूड के प्राइसेस हाई हैं, एक्सपोर्ट के दिक्कतें हो रही हैं। देखिए, बिल्कुल सही सवाल है आपका। आप तीनों चीजों की क्राइसिस है, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर। इन तीनों क्राइसिस को से हमारे पड़ोसी राष्ट्र जूझ रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि इन ग्लोबल इन्फ्लेशन के चलते, जो पूरे विश्व में जिस मंदी की हम बात कर रहे थे, वो एक्चुअली इन्फ्लेशन के रूप में हमारे सामने निकल करके आ रहा है, और उसके चलते हुए चाहे वो नेपाल हो, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, सभी जगह हम फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस देख रहे हैं। और ये फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस कई अलग अलग स्वरूपों में दिख रही है। उसमें फूड न खरीद पाने की उन लोगों की दिक्कत, फ्यूल न मिलने की दिक्कत, फर्टिलाइजर न आने की दिक्कत, ये तमाम दिक्कतें ऐसी हो रही हैं जिसमें कि उन लोगों का एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन हो रहा है, जैसा कि बांग्लादेश उससे अछूता नहीं है, डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि टैक्स कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो जो रीजनल इंटीग्रेशन की सवाल है, वो हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है। अभी रिजर्व बैंक ने पीछे कुछ स्टेप्स उठाए हैं श्रीलंका की इकोनॉमी को सहारा देने के लिए, तो अब इन देशों की हमसे अपेक्षा, हमारी साझेदारी और इनकी आर्थिक दिक्कतों में भारत का भी साथ में शामिल हो जाना, ये बिल्कुल संभव होता हुआ दिख रहा है। ये भी एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने है कि इनमें से कुछ राष्ट्र जो हैं वो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, वो उनके पास कोई समुद्र का सहारा नहीं है, तो उनको जैसे भूटान है या नेपाल है, इनको हम लोगों से सहारा होता है, हम लोगों के बंदरगाहों से इनको माल जाता है। अब ये दिक्कत एक मेजर आ रही है कि उन लोगों का एक्सपोर्ट भी श्रिंक हो रहा है, उन लोगों का इम्पोर्ट भी श्रिंक हो रहा है, तो ऐसे में भारत के ऊपर उनकी जो प्रतिबद्धता होनी चाहिए वो भी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि उससे जो उनकी डिपेंडेंस है वो बढ़ती जा रही है, और इसके कारण उनका फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस धीरे धीरे हमारे पोर्टफोलियो में ऐड हो रहा है, तो वो एक बहुत डेलिकेट सिचुएशन हमारे सामने उभर करके आई है। बिल्कुल आपने ठीक कहा सुशांत सरीन जी, जैसा कि सचिन चतुर्वेदी जी बोल रहे हैं कि ये सारे देश जो हैं ये भारत के नेबरिंग ज़्यादातर लैंड लॉक्ड हैं, और अगर आप बात करें तो ट्रांजिट इस सब कंटिनेंट में सबसे ज़्यादा ट्रांजिट भारत के थ्रू ही होता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि हमारे रिलेशंस जो हैं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, श्रीलंका के साथ हो, नेपाल के साथ हो, वो भी थोड़े गड़बड़ हुए थे, और दूसरी तरफ चाइना जो है वो अपना प्रभुत्व इन देशों पे बनाता जा रहा है, ऐसे में भारत को आप कहां देखते हैं? तो समझ नहीं आता कि अगर आपके एक दुश्मन देश है पाकिस्तान, अगर वो कुएं में गिर रहा है तो आपको क्या पड़ी है उसको बचाने की? आपको किसने बोला कि भाई आप बढ़ चढ़ के उसकी बचाव में आए? उन्होंने आपसे मांगी है कोई मदद? जो हमारे यहाँ पर ऐसी हम लोग चढ़ चढ़ आके बात कर रहे हैं, और हर जो देश की आप बात कर रहे हैं उसका जो प्रॉब्लम्स हैं वो केवल आप जो वन साइज फिट ऑल के जी कोरोना हो गया, उसके बाद ये यूक्रेन वाली जंग हो गई, इसके करके इनकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई। नेपाल की अर्थव्यवस्था खराब होने के और कारण हैं और उसकी तीव्रता अलग है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था खराब होने में जरूर कोरोना का भी एक असर है और जो यूक्रेन वाली जंग है उसका भी एक असर है, लेकिन ज्यादा बड़ा उसका रीजन जो है वो ये है कि श्रीलंका की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थी वो कई अरसे से वहां पर हैं और उसको एड्रेस नहीं किया गया। सिमिलरली अगर आप पाकिस्तान में देखें, पता नहीं लोग क्यों कह रहे हैं कि जी कोरोना के करके पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खराब हुई और उसके बाद यूक्रेन की वॉर के करके हुई। अगर आप उनके आंकड़े देखें तो कोरोना का जो संकट आया उससे पहले उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा चुकी थी, और फिर जिस तरीके से इन्होंने जो कोरोना काल में जिस तरीके के कदम उठाए, खास तौर पर पाकिस्तान में, अब उन्होंने 5 रुपए खर्चे 1 रुपया एक्सपोर्ट बढ़ाने के, अब वो अर्थव्यवस्था वैसे ही उसमें इतने ज्यादा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थे कि वो आप इस तरीके का भार आप उठा नहीं पा सकते थे। तो मेरे ख्याल आप हर एक केस को अलग अलग लेकर के चलें, अलग अलग देखें उसको,
और उसका अलग अलग आपको इलाज करना पड़ेगा। और जो दुश्मन देश है उसका तो इलाज करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन नेपाल और श्रीलंका में भारत से जो बन पाएगा वो भारत करेगा। लेकिन अब भारत ये भी नहीं कर सकता कि अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी जो जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको ताक पे रख करके श्रीलंका को बचाने के लिए निकले। तो मेरे ख्याल जितना कुछ भारत से हो सकता है वो डिप्लोमेटिक तौर पर भी श्रीलंका के लिए किया जा रहा है, आर्थिक तौर पर भी किया जा रहा है, इन कैश इन काइंड दोनों तरीके से किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारी चीजें श्रीलंका को खुद करनी पड़ेगी, जो उनकी एक प्रॉब्लम्स थी उनके सिस्टम के अंदर उसको एड्रेस करने के लिए उनको कदम उठाने पड़ेंगे, उसकी अपेक्षा भारत से नहीं की जा सकती। सिमिलरली नेपाल के साथ, अब नेपाल में भी हम लोग मदद तो जरूर करेंगे नेपाल की, हमारा एक लिहाज से कर्तव्य भी बनता है, लेकिन नेपाल को भी ये सोचना चाहिए ना कि बहुत सारे ऐसे जो मंसूबे थे जिनको अगर बना लेता तो नेपाल की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही एक दूसरे लेवल पर होती, वो एक दकियानूसी ख्याल के करके उन्होंने नहीं आगे उस पर कोई पेशरफ्त की। तो अब ये किसकी गलती है? हर एक चीज का अगर आप जो उसका सहारा भी भारत बने, उसका दोष भी भारत के ऊपर हो, तो ऐसे तो नहीं चल सकता भाई। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अमित भंडारी जी हम आपके पास आना चाहेंगे। हम आपसे ये जानते, क्या ये इंडिया के, क्योंकि काफी लोग ये कहते हैं कि इंडिया के इंटरेस्ट में ये भी है कि रीजनल कोऑपरेशन या रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अगर हो हमारे पड़ोसी देशों के साथ तो वो भी इंडिया के इंटरेस्ट में होता है। ऐसे में क्या हम ये मान के कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, वहां पे अगर डिस्टर्बेंस रहेगा उसका इम्पैक्ट, या अफगानिस्तान में प्रॉब्लम होगा तो उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ कितना पड़ सकता है, और उस पर क्या आपको नहीं लगता है कि सार्क को फिर से रिवाइव करने की जरूरत है? देखिए, मेरा जहां तक ख्याल है, पाकिस्तान जैसा कि सुशांत जी कह चुके हैं एक ऐसा देश है जो हमारे लिए अच्छी भावनाएं नहीं रखता है। अगर उनका आर्थिक संकट कम हो जाता है तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? एक तो ये होगा कि पाकिस्तान में ने स्टेट कैप्चर किया हुआ है, पाकिस्तान के जो भी रिसोर्सेज हैं वो पाकिस्तान की आर्मी मोनोपोलाइज करती है और इंडिया का डर दिखा के वो इस मोनोपोलाइजेशन को जस्टिफाई करती है। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी सही सिचुएशन में आ जाती है तो पाकिस्तानी आर्मी के पास रिसोर्स और बढ़ जाएंगे, पाकिस्तानी आर्मी ISI और जो भी उनका एस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं, और उनके पास हमारा नुकसान करने की वो हमारा नुकसान करने की ज्यादा अच्छी सिचुएशन में रहेंगे। तो मेरा विचार ये है कि अगर हम रीजनल कोऑपरेशन देख रहे हैं तो सार्क की जगह हमें शायद बिम्स्टेक में देखना चाहिए, जो कि पाकिस्तान की जगह म्यांमार की तरफ, म्यांमार को इंक्लूड करता है इस ग्रुप में। बिम्स्टेक ग्रुप में हमारे रिलेशन सबसे सही है, किसी कंट्री के साथ हमारे कोई ऐसे इशू नहीं है जो पाकिस्तान के साथ है, और इंडिया ने भी काफी सालों से लुकिस पॉलिसी की बात की है, तो बिम्स्टेक को अडॉप्ट करना लुकिस पॉलिसी के हिसाब से भी सही रहेगा। कह रहे हैं सचिन चतुर्वेदी जी, अब आपके पास आना चाहिए, क्या आपको लगता है कि हमें सार्क की बिम्स्टेक को इंस्टिगेट करना चाहिए या वो रीजनल कोऑपरेशन के लिए ज्यादा बड़ा एक प्लेटफॉर्म होगा? देखिए, पहले हमें कुछ थोड़े आंकड़े देख लेने चाहिए इससे पहले कि हम कोई निर्णय करें। अगर आप देखें, और मैं अगर नेपाल से ही शुरू करूं जिसकी चर्चा हुई, तो आप देखते हैं कि नेपाल में जहां उनका जो डेट है नेपाल का वो करीब करीब 1.85 ट्रिलियन रुपीस बढ़ा है, और वो अब उनके जीडीपी का करीब करीब 40% पहुंच चुका है जो उनका एक्सटर्नल डेट है। इसी तरह अगर आप बांग्लादेश में देखें जहां फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस तेजी से आगे बढ़ा है, उनका इन्फ्लेशन आया है, ट्रेड अकाउंट उनका फीका पड़ा है, उनका जो टका है वो और भी ज्यादा कमजोर हुआ है, और साथ में देखें तो उनका एक्सटर्नल डेट भी बढ़ा है। यही हालत श्रीलंका की है, श्रीलंका के बारे में मैंने पहले भी आपसे कहा। अगर आप देखें इन लोगों का ट्रेड डिपेंडेंस जो इंडिया के साथ है, नेपाल का अगर 65% है तो बांग्लादेश का आज की तारीख में 57% इंडिया के साथ में ट्रेड है। अगर आप श्रीलंका का देखें तो वो करीब करीब 71% उन लोगों का स्क्वीज हुआ है जो उन लोगों का फॉरेन ट्रेड था। मालदीव्स की हालत भी सुधरी हुई नहीं है, मालदीव्स में भी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा गंभीर है। भारत उनकी क्या मदद कर सकता है अभी इसका विषय नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मेरे पास पूरे आंकड़े हैं और मैं पूरे आंकड़े के साथ आपको बोल सकता हूं कि हमने
पिछले 2 सालों में या पिछले 5 सालों में क्या इन देशों के साथ में जिसको डेवलपमेंट कोऑपरेशन कहते हैं हम लोगों ने किया है। तो ये अभी मुद्दा हमारे पास में सार के या बिम्स्टेक का नहीं है, हमारे सामने अभी मुद्दा ये है कि किन देशों के साथ हम मिलकर के कैसे काम आगे बढ़ा सकते हैं। जो सरकार देख रही है उसमें जैसा बिल्कुल सही कहा गया कि बिम्स्टेक के देशों के साथ हमारी जो साझेदारी है वो पिछले वर्षों में बड़ी है। 2016 में हमने उन लोगों को ब्रिक्स सम्मेलन के समय भारत में बुलाया भी था, आमंत्रित भी किया था। अभी भी बिम्स्टेक के देशों के साथ जिसमें न सिर्फ म्यांमार है बल्कि थाईलैंड भी है, म्यांमार थाईलैंड दोनों को हमने आसियान मेंबर होने के बावजूद बिम्स्टेक में रखा है। नेपाल और भूटान और श्रीलंका उसके हिस्सा हैं। बिम्स्टेक देशों का सम्मेलन अभी श्रीलंका की मेजबानी में खत्म हुआ है और उसमें हम लोगों को एक मेजर जिम्मेदारी फूड और फूड से रिलेटेड वैल्यू चेन्स के बारे में दी गई है। मैं स्वयं उस टीम को लीड कर रहा हूँ जो इस विषय पर काम कर रही है। तो मुझे लगता है ऐसा कि इन देशों में जो फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस है, इन देशों में जो फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस है, इन देशों में जो इन्फ्लेशन से क्राइसिस हो रहा है, वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। वो कई दशकों में एक दफा होता है ऐसा सिचुएशन आके चुकी हुई है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो। कुछ देशों में वो क्राइसिस गहरा गई है जैसे श्रीलंका में, लेकिन मूलतः मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स इन सभी कंट्रीज के बिल्कुल डगमगा चुके हैं और उस सिचुएशन में हमारा रीजनल कोऑपरेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसमें और कौन से देश शामिल हो सकते हैं, किनकी आवश्यकता है? थाईलैंड और म्यांमार दोनों आसियान के जो मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क्स हैं उनमें महत्वपूर्ण है। जैसा आपको याद होगा अभी 10 दिन पहले ही भारत ने आसियान के सारे विदेश मंत्रियों की मेजबानी की है, उसमें थाईलैंड के भी फॉरेन मिनिस्टर थे, म्यांमार के फॉरेन मिनिस्टर नहीं आ पाए थे क्योंकि उनके साथ जो इकोनॉमिक चैलेंज चैलेंज चल रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये क्राइसिस गहरा रही है, इसलिए सारे देशों का साथ में आकर के, चाहे बिम्स्टेक का प्लेटफॉर्म हो या जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, सार्क की भी आपने चर्चा करी, उन पर सभी पर भारत खुल करके सबके साथ में मिलकर के चर्चा करने की बात कर रहा है। जैसा कहा गया कि पाकिस्तान के साथ हमें नहीं करना चाहिए, उस संबंध में जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप का सोच होगा, देश का सोच होगा, वो उसकी चर्चा बिल्कुल सही रूप में सामने आई है अभी इस कार्यक्रम में ही। तो मुझे लगता है कि अगर हम बिम्स्टेक के बारे में सोचें, बिम्स्टेक के पार्टनरशिप के बारे में सोचें और जो हमारे इमीडिएट नेबरहुड जो कि हमारे ऊपर हमारे साथ मिले हुए हैं, खास करके नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, ये देश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो क्षेत्रीय भागीदारी को अगर हमें आर्थिक रूप में आगे बढ़ाना है तो इन सारे दृष्टिकोणों को अपने समक्ष हमको रख करके बातचीत को आगे बढ़ाना होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सुशांत जी, आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे क्योंकि इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाना होगा और वो भारत के हित में भी है, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम आपसे ये पूछें कि चाइनीज इन्फ्लुएंस जो बढ़ रही है, चाहे वो श्रीलंका में हो, नेपाल में हो, बांग्लादेश में तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको टैकल करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो जहां तक रीजनल कोऑपरेशन की बात है, मेरे ख्याल जहां पर कोऑपरेशन हो सकती है वहां पर तो बिल्कुल करनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। और जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं तो बिल्कुल रजामंद हूं उनसे, मैं सिर्फ भारत के जो पूर्वी साइड है वहां पर एक एक पॉसिबिलिटी है और बड़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है, आप कोऑपरेशन कर सकते हैं और उसमें म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन होगी, लेकिन भारत के पश्चिम में तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। दूसरी बात ये कि सार्क का रिवाइवल की अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर आप बड़ा मजा आएगा देखते हुए कि सार्क तो अब तालिबानी अफगानिस्तान भी अब उसका मेंबर बन जाएगा, तो क्या हम फिर उनको भी न्योता देंगे और उनके साथ भी यहां पर बैठ करके बातचीत करेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल होगा। तो सार्क तो मेरे ख्याल मर चुकी है ऑर्गेनाइजेशन, इसको जितनी जल्दी इसका सारा क्रियाक्रम कर दिया जाए तो उतना बेहतर है, बाकी लटका के रखना है तो रखे रहिए। जहां तक चीन का सवाल है, देखिए मेरे ख्याल हमारे को सोच समझ करके, चीन से हमारी एक प्रतिस्पर्धा तो है रीजनल इश्यूज को लेकर के, लेकिन क्या वो हम उस कंपटीशन को चीन के पिच पे खेलेंगे या अपने पिच पे खेलेंगे? अगर हम
ये कोशिश करें कि जो जितना पैसा चीन लगाता है उसको हम मैच करेंगे, तो फिर अपने आप को दिवालिया बनाने वाली बात है, तो वो तो मेरे ख्याल पॉसिबल है नहीं हमारे लिए करना। लेकिन उसके और बहुत सारे तरीके हैं, उसके तोड़ हैं, जिस पर हमारे को ज्यादा विचार करना चाहिए और जिस पर हमको ज्यादा काम करना चाहिए। उसमें कुछ कूटनीतिक भी हैं, कुछ सामरिक भी हैं, कुछ सैन्य भी हैं और कुछ आर्थिक भी हैं। लेकिन अगर हम चीन को डॉलर बाय डॉलर या युआन बाय फॉर युआन और या युआन फॉर रुपी मैच करने की कोशिश करेंगे, तो फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी, तो उस कंपटीशन में हमारे को पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन चीन का जहां तक उसकी जो एक लिहाज से आर्थिक घुसपैठ है इस रीजन में, कुछ तो होगी जिसको आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे। वो लॉजिक है आजकल की इकोनॉमिक्स का कि वो आर्थिक घुसपैठ वो होगी, वो भारत के अंदर भी हो रही है। लेकिन कुछ जो और तरीके की घुसपैठ उनकी है जिसके तहत वो अपना असर और रसूख बढ़ा रहे हैं, उसको मेरे ख्याल उसका तोड़ आपको अपने तरीके से निकालना पड़ेगा। चीनी तरीके से नहीं निकलेगा वो आपके लिए, वो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। नहीं बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि वो मुसीबत बन जाएगी, हम फाइनेंशियली या आर्थिक इन्वेस्टमेंट के तौर पे उनसे मैच नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे कि अब हम बांग्लादेश का एग्जाम्पल ले, बांग्लादेश से हमारे रिलेशंस अच्छे हुए हैं, खासकर बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म होने के बाद। लेकिन अब बांग्लादेश भी चाइनीज वेपन्स का इंपोर्ट कर रहा है। उसी तरह से अगर आप बात कीजिए कि श्रीलंका से हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, लेकिन जो वहाँ पे पोर्ट बनाया है चाइना ने हेबन बटोटा जगह पे, उस पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है और वो लीज पे 99 ईयर के लीज पे मिल रही है। तो इनसे जो चाइनीज इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़ जाएगा, उसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं आने वाले दिनों में भारत के लिए? यार देखो ना, वो जो बहुत सारा जो चाइनीज जिसको हम इन्फ्लुएंस मानते हैं, वो अब एक लिहाज से न्यूसेंस बन गया है ना इन देशों के लिए। अब जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स चाइना ने वहां पर फंड किए हैं, चाहे वो हम्बन डोटा का पोर्ट हो या वो एयरपोर्ट हो, अब वो पोर्ट ऐसा है जिसपे कोई जहाज आता नहीं है, वो उन्होंने जो एयरपोर्ट बनाया उसमें कोई जहाज लैंड नहीं करता, उन्होंने जो वहां पर क्रिकेट स्टेडियम बनाया वहां पर कोई मैच नहीं होता। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का फायदा किया है, और ये अब श्रीलंका को भी एक रियलाइजेशन हो रही है। अब अलग बात है कि श्रीलंका अब एक ऐसे कगार पर पहुंच गया है कि उसको चीन की आर्थिक मदद की भी जरूरत है, उसको भारत को खुश करने की भी जरूरत है। उनके लिए ना सिर्फ एक आर्थिक चैलेंज है, अब एक कूटनीतिक चैलेंज भी हो गया कि कैसे बैलेंस कैसे किया जाए, कहां तक कर पाएंगे। बांग्लादेश के अभी हालात कोई उस कगार पर नहीं पहुंचे और शायद नहीं पहुंचेंगे, लेकिन बांग्लादेश की जो तरक्की हुई है पिछले 15-16 साल में, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बांग्लादेश की जो सरकार है उसने भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए तमाम वो कदम उठाए जो भारत को उनसे अपेक्षा थी, और भारत ने भी फिर उसको रेसिप्रोकेट किया पूरी तरीके से। जो बॉर्डर या जो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट था वो बाद में आया, बांग्लादेश की जो सरकार थी उसका भारत के साथ जो एक एक भारत की जो कंसर्न्स थी उसको एड्रेस करने की प्रक्रिया उससे पहले शुरू हुई थी। तो मेरे ख्याल उसका कॉजेशन अगर आप देखें और फिर उसका कितना फायदा हुआ बांग्लादेश को उसका आंकलन करें, तो आपको बात समझ आ जाएगी कि भारत से अगर आप रिश्ते बिगाड़ के रखेंगे तो आपकी आर्थिक तरक्की में वो एक अड़चन बनेगी। भारत से रिश्ते और भारत की जो कंसर्न्स हैं उसको मद्देनजर रख करके आगे बढ़ेंगे तो आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो बेहतर या ज्यादा साबित कदम होगी। मेरे ख्याल ये एक लेसन है जिसको शायद हम भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे लोगों को, जो हमारे को करना चाहिए। इकोनॉमिक इश्यूज की तरफ शिफ्ट करते हैं। सचिन चतुर्वेदी जी, आपसे जानना चाहेंगे, बांग्लादेश की बात हो रही है, बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ रिसेंट ईयर्स में काफी अच्छी हुई थी, लेकिन और एक मिडिल इनकम इकोनॉमी के रूप में उभरा था वो देश, लेकिन एकाएक वहाँ भी पैंडेमिक के बाद अब सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई है, इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया है। आपको क्या लगता है, सेम चीज़ श्रीलंका में, श्रीलंका में तो खैर पॉलिटिकल रीजंस भी थे जिसके चलते वहाँ की इकोनॉमी में डिस्टर्बेंस हुआ, आपको क्या लगता है कि इन दोनों देशों का खासकर बांग्लादेश का में ऐसा क्यों हुआ, और वो वहाँ अगर कुछ बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट भारत पर कितना पड़ सकता है? देखिए, जैसा सुशांत सरीन ने कहा वो बिल्कुल सही है कि पिछले 12 सालों में या 15 सालों में बांग्लादेश ने
लगातार ऐसे प्रयास करे जिससे भारत की अर्थव्यवस्था जो पिछले 5-8 सालों में तेजी से आगे बढ़ी है, इस अर्थव्यवस्था से उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ा और वो आगे बढ़े, ये इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है कि कोविड के कारण और कोविड से रिलेटेड जो क्राइसिस हुई है, जिसके कारण न सिर्फ हमारे रीजन में बल्कि उन क्षेत्रों में जहां बांग्लादेश का एक्सपोर्ट जाता था वहां डिमांड कम हुई है, जैसे यूरोप है, जैसे यूएस है, बांग्लादेश का जो रेडीमेड गारमेंट्स का अगर एक्सपोर्ट मार्केट का आप एनालिसिस करें तो आप पाएंगे कि करीब करीब 70% उनका डेवलप्ड कंट्रीज को मार्केट एड्रेस्ड है, चाहे वो यूरोप का हो चाहे यूएस का हो, सभी जगह मांग में गिरावट आई है। इसलिए बांग्लादेश के एक्सपोर्ट में भी गिरावट आई है, क्योंकि वहां बांग्लादेश के हिंदुस्तान के बाद बांग्लादेश ही ऐसा देश है जो रेमिटेंसेस में सबसे आगे है, वो रेमिटेंसेस में भी वहां गिरावट आई है। क्योंकि रीजन में और विश्व के बाकी हिस्सों में मुद्रास्फीति की दर तेजी से आगे बढ़ी है, बांग्लादेश में भी वो आगे तेजी से बढ़ी है, लेकिन दिक्कत बांग्लादेश की ये हुई है कि सारा एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ एक कमोडिटी के ऊपर, एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक प्रोडक्ट रेंज के ऊपर, जो कि एपरल्स हैं या रेडीमेड गारमेंट्स हैं, इसी पे सीमित है। तो बांग्लादेश की मुश्किल उस मामले में बड़ी है। पिछले ही 10 दिनों में उनका बजट प्रस्तुत हुआ, उस बजट में जो संकटें आए हैं उसका बड़ा एक डिटेल वित्त मंत्री ने उनके सामने रखा। जैसा कह रहा था कि इन्फ्लेशन तो बढ़ा ही, साथ में जो ट्रेड अकाउंट डेफिसिट है वो 155% आगे बढ़ गया। अगर आप उनकी टका देखें तो उसका जो गिरावट आई है, पहले वो 42% हुई थी, फिर 48% हुई, अभी वो 51% टका की गिरावट हुई है। तो ये जो शॉर्टफॉल आ रहा है, ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, ये पिछले 12 सालों में इतने गहरे कभी भी बांग्लादेश के सामने नहीं रहे। इसलिए हमने शुरू में कहा बिल्कुल सुशांत सरीन साहब, आप आखिरी सवाल आपके पास आना चाहेंगे, हमारे पास समय काफ़ी कम बच रहा है, कि अगर हम ये बात करें कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसीज की, कि शुरू में ये रहती थी कि हम लोग अपने नेबरहुड को इग्नोर करते थे, अब जैसे देखा जाता है जैसे कि स्टेट्स भी अप्रोच करते थे, खासकर जैसे तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल का स्टैंड जो था वो श्रीलंका के प्रति कुछ अलग होता था और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग होता था। इसका क्या इम्पैक्ट लग रहा है कि अब जो ये सरकार है ये कुछ वहाँ फॉरेन पॉलिसी में बदलाव आ रहा है जिसका इंपैक्ट भारत को आने वाले दिनों में देखने को मिल रहा है? बदलाव तो आया है, हमने ज्यादा एक अटेंशन देनी शुरू की है अपने नेबरहुड को, जो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी थी उस पर बात हुई है। भाई जितना बढ़ चढ़ के भारत श्रीलंका की मदद के लिए पहुंचा है, मेरे ख्याल पहले तो इसका कोई, खैर पहले इस तरह के हालात भी नहीं हुए, लेकिन इसका कोई उदाहरण भी नहीं था ना पहले। और लगभग डॉक्टर साहब को बेहतर पता होगा, लेकिन मेरे आंकलन से लगभग 3-3.5 बिलियन डॉलर की तो ऑलरेडी हम उनकी मदद कर चुके हैं और करने को तैयार भी हैं। लेकिन एक चीज हमारे को समझनी होगी कि देखिए जितने ये जो देश है, जैसे बांग्लादेश है, डॉक्टर साहब की बात ठीक है, भाई एक प्रोडक्ट की इकोनॉमी है ना, ब्रॉडली स्पीकिंग एक प्रोडक्ट की इकोनॉमी है। अब वहां पर अगर कोई शॉक आता है तो वो फिर झेलना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बांग्लादेश शायद बेहतर झेल पाएगा क्योंकि हमारे शो का टाइम खत्म हो गया सर। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे एक नए एपिसोड में, स्पॉटलाइट में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।